करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी है। एएसआई की टीम सर्वे कर रही है, 51 सदस्य इस सर्वे में शामिल हैं। आपको बता दें सर्वे जारी रहेगा और सर्वे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ज्ञानवापी में जीआरपी तकनीक पर और तकनीक के सहारे सर्वे किया जाएगा। इस तकनीक से किसी तरह की कोई खुदाई नहीं होती है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी ही है। इसके अलावा दूसरी ओर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने एक बार फिर से एएसआई सर्वे का विरोध किया है। तो आपको खबर बता रहे हैं ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 11 बजे सुनवाई हो सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को इस बाबत चुनौती दी गई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से मदन मोहन बने हुए हैं। मदन, देखिए एएसआई का सर्वे शुरू हो चुका है, जरा जानकारी दीजिए। कहा जा रहा है कि तमाम टीमें वहां मौजूद हैं, उसी के साथ साथ चार ब्लॉक में सर्वे को बांटा गया है और पश्चिम की जो दीवार है उस पर ज्यादा फोकस रखा गया है। क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई मदन? दिक्कत बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि एएसआई का सर्वे लगभग जो कहा जाए कि 1.5 घंटे के आसपास का बीत चुका है और एएसआई की टीम जो है अंदर मौजूद है। कहा जा रहा है कि इसको जो है चार ब्लॉक अलग अलग ब्लॉकों में पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण में बैठाए गए हैं, लेकिन पश्चिम ब्लॉक है जो कि सिंगार गौरी की तरफ का है उस पे जो है अभी कहा जाए एएसआई का ज्यादा फोकस है। जो अंदर से जो अभी से जो शंकर के बातें आ रही है वो ये है कि पश्चिमी दीवार की तरफ भी ज्यादा फोकस है उसमें, क्योंकि जिस तरह से कहा जाए तमाम जो चिन्ह है और जो जिस तरह से वहां पे जो देखने को मिल रहे हैं तो ये चीजें जो है कहा जाए कि सर्वे के दौरान जो है देखने को मिलेगी। वही अगर बात करें कि लगभग जो है इस मामले को लेकर के अंजुमन इंतजामिया जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 12 बजे जो है बेंच जो है इसकी सुनवाई करेगी। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि आज जो है एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी होनी है, क्योंकि यहाँ पे हाईकोर्ट में आदेश एएसआई को सर्वे करने का आदेश दिया था उसी के अगेंस्ट में जो है मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है। वही अगर कहा जाए तो राकेश सिंह की तरफ से जो है एक कैविएट दाखिल की गई है जिस पर जो कहा जाए कि आज 12 बजे ये सुनवाई होगी कि जिस तरह से कि इस पे जो क्या आदेश जो आएगा क्या सुप्रीम कोर्ट इसको जो है कंटिन्यू करेगा या इस पे फिर से जो है स्टे लगा देगा। क्योंकि जिस तरह से अगर बात किया जाए कि अंजुमन इंतजामिया जब पिछले उसमें था तो उस जब सुप्रीम कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि आप हाईकोर्ट में आइए और हाईकोर्ट जाने के बाद तो लगभग 3 दिनों तक जो है हाईकोर्ट में सुनवाई चली। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वहां पे जो है एएसआई सर्वे होनी चाहिए। एक अहम जानकारी दीपिका ये आ रही है कि लगभग 41 एएसआई की टीम जो है अंदर मौजूद है। वहीं लखनऊ से भी जो है लगभग 30 टीमें जो है यहां पहुंचने की जो है जानकारी मिल रही है कि 20 और भी लोग होंगे, यानी कि 61 लोगों की टीम होगी जिनके जो लखनऊ से जो टीम आ रही है उनके पास जो है वो मतलब वो लखनऊ की टीम पहुंच चुकी है। मदन, क्या उनका आना बाकी है? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो ये भी है कि आईआईटी कानपुर के 3 एक्सपर्ट भी होंगे। जी दीपिका बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि जो लखनऊ से और जो कानपुर से जो टीम आ रही है इसमें आईआईटी के एक्सपर्ट इसमें मौजूद होंगे, क्योंकि जो टेक्निक की बात की जा रही है तो उनके पास में आधुनिक तकनीक क्या है जिससे कि ये कहा गया था कि कोई भी खुदाई वहां पे नहीं होगी, बिना खुदाई किए हुए जो है सर्वे का कार्य जो है चलता होगा। और उसके बाद क्योंकि लेकिन अंजुमन इंतजामिया को इसका यह अंदेशा है कि एएसआई सर्वे से जो है वहां पर जो है कहा जाए तो जो ज्ञानवापी है उसमें जो है नुकसान पहुंचा सकती है एएसआई की टीम, लेकिन जब हाईकोर्ट ने इस पे सख्त होकर के एएसआई के डायरेक्टर से ये पूछा था कि क्या मतलब वहां पे सर्वे करने से किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा, कोई खुदाई होगी, तो एएसआई के तरफ से एक एफिडेविट दिया गया था। उसमें एफिडेविट में ये कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई खुदाई नहीं होगी, बिना खुदाई के जो है बिल्कुल मदन कह रहे हैं ना खुदाई होगी और ना ही यूं कहें कि जो मंदिर मस्जिद परिसर उसमें दाखिल किया जाएगा, वजूखाने में एंट्री भी नहीं है और एएसआई का सर्वे भी चलेगा। और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि आज जुम्मे की नमाज भी होनी है, शुक्रवार का दिन भी है, 12 बजे तक ये जो पूरा एएसआई का सर्वे होगा, इसके बाद परिसर को खाली करा लिया जाएगा। इसके बारे में कोई जानकारी?
दिखता बिल्कुल, जिस तरह से ये जानकारी आ रही कि आज जो है जुम्मे का नमाज है, जुम्मे की नमाज के बाद उसमें जब होगी तो उस समय परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया जाएगा। उसके बाद ये भी जानकारी आ रही है सूत्रों से कि हो सकता है कि सेकंड यानी कि 3 बजे के बाद फिर से जो है एएसआई जो है अपना सर्वे जो है वो शुरू कर सकती है। तो सूत्रों से ये जानकारी निकल करके आ रही है कि हो सकता है कि नमाज के बाद जब खत्म होगा तो 3 बजे से पुनः जो है एक बार एएसआई जो है सर्वे कर सकती है। हालांकि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में 12 बजे जब कहा जाए तो जब उस पर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आएगा इस पे जो है मदन देखिए जिस जी 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 जुड़िए वैदिक सनातन संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मौजूद है राकेश सिंह के, कहा जाए तो राकेश सिंह की तरफ से यहाँ पे याचिका भी डाली थी कि जो मुस्लिम लोग हैं जो ज्ञानवापी परिसर में जाकर के नमाज अदा कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनकी जो है उसको रोक लगाई जाए। तो इस पे जो है ना एक हाईकोर्ट में भी याचिका डाली गई है और कहीं वाराणसी न्यायालय में भी ये याचिका डाली गई। तो संतोष सिंह से बात कर, संतोष जी क्या है देखिए जब से सर्वे की बात हुई है मुस्लिम पक्ष लगातार ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश करके हमारे साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास कर रहा है। जो ऐतिहासिक प्रमाण वहां मौजूद हैं, ऐतिहासिक प्रमाण के साथ हमारे पौराणिक प्रमाण मौजूद हैं, क्योंकि लोकल कमीशन के दौरान जाने वाला एक व्यक्ति मैं भी वहां था, हमने अपनी खुली आंखों से देखा है जो पिलर नीचे से ऊपर को आ रहे हैं उन पिलर पे संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, हिंदू प्रतीक चिन्हों से भरा पड़ा है। लेकिन वही जब तथाकथित मस्जिद में प्रवेश करता है तो सफेद पेंट लगा करके हिंदू प्रतीक चिन्हों को छिपाने का प्रयास किया जाता है। मदन जी इसे ये भी जानिए, क्योंकि आज शुक्रवार में नमाज का दिन भी है, 12 बजे तक नमाज चलेगी, लेकिन ये भी संभव हो पाएगा ना, क्या वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था माकूल है? जब नमाजी आएंगे तो क्या हक दिया गया है गुंबद बना करके? पूछिए मदन। संतोष जी ये बताइए कि आज जो है कहा जाए कि शुक्रवार का दिन भी है यहाँ पे लोग जो है नमाज अदा पे जुम्मे के नमाज भी अदा करने के लिए आएंगे, तो इसको लेकर के क्या इसमें होगा, क्या यहाँ पे प्रशासन की तरफ से किस तरह से व्यवस्था है या जुम्मे की जब नमाज होगी तो उस समय क्या क्या रहेगा? कोर्ट ने स्पष्ट आर्डर दिया हुआ है कि नमाज के पहले तक सर्वे होगा, तो जब नमाज का समय आएगा तो वो अपने नमाज के लिए जाएंगे, उसके पहले सर्वे का काम कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट डे सर्वे हो। तो बिल्कुल संतोष जी का ये कहना है कि सर्वे का जो काम है 12 बजे। मदन देखिए गौरव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो जानकारी देंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी हुई है मुस्लिम पक्षकार की ओर से। गौरव देखिए यहाँ पर साफ तौर पर SLP यानी कि विशेष अनुमति याचिका डाली गई है मसाजिद कमेटी की ओर से। फिलहाल कहा गया है कि 11:30 बजे ये सुनवाई शुरू होगी, सर जानकारी दीजिए इस बाबत। बिल्कुल देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था एएसआई सर्वे की जो शुरुआत है वो काशी में शुरू हो चुकी है, जो सर्वे की टीम है वो लगातार इस काम में जुटी हुई है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है इस सर्वे को रोकने की जो मांग है वो मुस्लिम पक्ष के तरफ से की गई है, और इसमें बड़ा स्पष्ट मुस्लिम पक्ष के तरफ से कहा गया है कि ये जो एएसआई का सर्वे हो रहा है फिर से वही ग्राउंड पर अपनी बात रखने की कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंदर अगर ये सर्वे का काम होगा तो तोड़फोड़ हो सकती है, तमाम चीज़ों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, इस तरीके की बातें जो हैं वो अपने तरफ से मुस्लिम पक्ष ने कही है, लिहाजा सर्वे पर रोक लगाने की बात कही गई है। हालांकि आज इस पूरे मामले पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जो बेंच है वो सुनवाई करेगी, लेकिन कानूनी जानकारों की अगर माने तो उनका साफ तौर पर यह कहना, और खुद विष्णु शंकर जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं उनका बड़ा स्पष्ट कहना है कि इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया, अपनी बात को रखा, और उसके बाद से जो वाराणसी की कोर्ट थी खास करके उसके बात को मेंशन करते हुए अब फिलहाल जो सर्वे का काम है वो शुरू हो चुका है। इसमें एक बात दीपिका जरूर हो सकती है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होती है और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से कोई इसमें कुछ बात कहता है, कुछ देखा जाएगा, सुनवाई जो होगी उस, हालांकि साफ तौर पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी, यूं कहें इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से भी कि आप बिना खुदाई के इर्द गुर्द करते हुए इसको ना करें और अपने तकनीकी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें। चलिए इस खबर पर वापस लौटेंगे हम। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।